सब्सक्राइब कीजिए करियर गुरु जी चैनल को और उसके बाद इस घंटे के निशान को दबाना तो बिल्कुल ही मत भूलना हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है करियर गुरु जी की नई वीडियो में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में एक नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, तो इस वैकेंसी के बारे में सारी डिटेल्स हम आपको बताएंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे कैसे आपको भरना है, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, क्या क्या डेट्स हैं, सारी बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद एक घंटी का निशान आएगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन को सबसे पहले देख सकें और हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। क्योंकि मैं डेली 2 वैकेंसी अपलोड करता हूँ, इसलिए आप हमेशा वैकेंसी से अपडेट रहें, जिससे कोई भी भर्ती आपसे छूटे ना। तो चलिए हम आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ले कर चलते हैं और सारी चीज़ें वहाँ पे डिटेल्स में आपको समझा के बताते हैं। तो दोस्तों जो वैकेंसी जारी की गई है तेलंगाना सरकार की तरफ से जारी की गई है और यह ग्रामीण डाक सेवक का फॉर्म है। दोस्तों आपको इस पेज की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, नीचे डिस्क्रिप्शन होता है, आप वहां पे आइएगा, वैकेंसी के बारे में सब कुछ वहीं से पढ़ सकते हैं और यहीं से फॉर्म को अप्लाई भी कर सकते हैं। नीचे सारी लिंक्स दी गई हैं फॉर्म को अप्लाई करने की, तो आप अप्लाई करने के लिए जरूर से इस वेबसाइट पे आइएगा, फॉर्म यहीं से आप भर पाएंगे। और ये वेबसाइट है सरकारीjobfind.com। सरकारीjobfind वेबसाइट पे जो भी सरकारी नौकरियों के फॉर्म आते हैं सारे फॉर्म आपको एक ही जगह पे मिल जाते हैं, चाहे वो स्टेट वाइज फॉर्म हो, सेंट्रल का फॉर्म हो, सब फॉर्म आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। तो आप जरूर से सर्च कीजिए सरकारीjobfind.com। आप इसे सर्च कर सकते हैं सरकारी जॉब गूगल में, जैसे आप इसे सर्च करेंगे सरकारी जॉब, जैसा कि मैं सर्च कर रहा हूँ, आपको फर्स्ट नंबर पर वेबसाइट मिल जाएगी। तो सरकारीjobfind.com आप देख के उसको खोल सकते हैं और इस वेबसाइट पे जो भी सरकारी नौकरियों के फॉर्म आते हैं सारे फॉर्म आपको मिल जाते हैं, चाहे स्टेट का हो, एडमिट कार्ड हो, अदर जॉब फॉर्म हो, एजुकेशन न्यूज हो, कुछ भी हो, सब कुछ यहाँ पे मिल जाती है। आइए बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। तो वैकेंसी जो है तेलंगाना सरकार की तरफ से जारी की गई है, ग्रामीण डाक सेवक का फॉर्म है। फॉर्म जो भरा जा रहा है ये 9 मार्च से भरा जा रहा है, लास्ट डेट की रखी गई है 9 अप्रैल। तो जल्दी जल्दी फॉर्म को भरिएगा, ज्यादा समय नहीं बचा है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो 100 रुपये जनरल ओबीसी के लिए है, एससी एसटी और फीमेल के लिए कोई फीस नहीं रखी गई है। आपको एग्जामिनेशन फी को ओनली जो है डाकघर जो होते हैं वहां पे जाकर फी पेमेंट करना होगा, यहां पे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट का कोई सिस्टम नहीं है, तो आपको डाकघर में जाकर फी पेमेंट करनी पड़ेगी। यदि आप एससी एसटी फीमेल के लिए है तो कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली फॉर्म को भर दीजिएगा और आपको फी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ग्रामीण डाकघर पे जो हेड पोस्ट ऑफिस है वहां पे जनरल ओबीसी कैंडिडेट को जाना पड़ेगा, जिन्हें 100 रुपये देना पड़ेगा। फॉर्म को भरने के बाद एक रिसिप्ट निकलेगी, उसको ले जाकर दिखाना पड़ेगा, 100 रुपये वहां पे जमा करना पड़ेगा और आपको जो है फीस पेमेंट हो जाएगी। टोटल जो है 1058 पोस्ट की वैकेंसी है, तो काफी अच्छी पोस्ट है 1058 पोस्ट। यहाँ पे ग्रामीण डाक सेवक के लिए जनरल के लिए जो है 559 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 247, एससी के लिए 133, एसटी के लिए 76 और पीएच के लिए टोटल मिला के लगभग 50 पोस्ट की वैकेंसी है। टोटल पोस्ट हो गया 1058। एलिजिबिलिटी जो मांगा गया है यहाँ पे 10 पास मांगा गया है और 3 महीने का कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मांगा गया है। तो आप जो है 10 पास हो तो आपके पास कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कोई भी हो, ट्रिपल सी हो, वो हो, तो कोई भी आप सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, तो बिल्कुल आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। एजिमेट की बात करें तो 1840 रुपए रखी गई है, 9/3/2018 को आपकी एज काउंट होगी, यहाँ पे एज लिमिट साफ साफ लिखी हुई है। रजिस्ट्रेशन जैसे मिलता है वैसे मिलता रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट, ये जो है प्रोसेस जो है मेरिट लिस्ट पे है, तो आप मेरिट लिस्ट पे इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होगा। आप अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए रजिस्ट्रेशन पे जा सकते हैं, यहाँ पे आपको फॉर्म भरने लगेगा, यहाँ पे देखिए फॉर्म खुल गया, यहाँ पे भर सकते हैं और यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आप पहले से फॉर्म भर चुके थे यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, नोटिफिकेशन यहाँ से पढ़ सकते हैं और सारी चीजें आपको और भी कुछ यहाँ पे मिल जाएंगी। यहाँ नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल वेबसाइट है, ये सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। तो आप जरूर से फॉर्म को भरिएगा, काफी अच्छा फॉर्म है, 1033 पोस्ट की वैकेंसी है, तेलंगाना के लिए है, तो काफी अच्छा फॉर्म है, तो आप जरूर से फॉर्म को भरिएगा, हो सकता है आपका हो जाए क्योंकि 10 पास में आ गया है, तो काफी अच्छी पोस्ट की वैकेंसी है। और उसमें मेन बात यह है कि इसमें मेरिट के बेस पे सिलेक्शन होना है। तो रही इस वैकेंसी के बारे में सारी डिटेल्स, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई सवाल है आपको तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। यदि आपको वीडियो पसंद है तो जरूर से वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल, अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, जहां भी आपको संभव हो सके। और सरकारीjobfind.com वेबसाइट को आप जरूर से फॉलो कीजिए, दिन में 2 से 3 बार इसको देखा कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी वैकेंसी आती है स्टेट वाइज, गवर्नमेंट, सेंट्रल वाइज सारी वैकेंसी अपडेट होती है। यहाँ पे एडमिट कार्ड और बहुत सारी चीजें इस वेबसाइट पर मिल जाएंगी, तो आप इस वेबसाइट पर जरूर से देखा कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ नई वैकेंसी।